ये चिंटू की पतंग कैसे उड़ रही? अरे चिंटू दादा तुम्हारी पतंग ना इतना मस्त उड़ रही, वो भी अच्छे अंदाज में। अरे मोटू ये देख वो बाजू की पतंग किसकी है रे? अरे चिंटू दादा ये सलीम टुंडा की पतंग है। ऐसा क्या? हे मोटू इसकी पतंग काट दूं क्या रे? हां दादा काट दे, वो सलीम टुंडा ना बहुत ज्यादा होशियारी करता। तू कभी काटता? काट दे दादा। ये देख इसको पहले ऐसे पेस डाल लेगा। हां दादा। फिर ये देख ये काट गई। अकेले पतंग उड़ा रहा है, ला मुझे भी उड़ाने दे। अरे तारा ये पतंग उड़ाना लड़कों का खेल है, तू लड़की है तू काहे को उड़ाएंगी? तू मुझे पतंग नहीं देगा ना तो मैं तेरी ये डोरी काट दूंगी, फिर तेरी पतंग हवे में उड़ जाएगी। देख रे मोटू डोरी तोड़ने का बोल रही। मतलब तारा अच्छी उड़ रही ना पतंग। ए मोटू मैं तुझसे नहीं बात कर रही हूँ, तू चुप बैठ, तू देर आएगी नहीं। हाँ ठीक है बाबा ले उड़ा। देखा आता है ना मुझे पतंग उड़ाने। ए चिंटू ये तेरी पतंग तो बहुत ताव खा रही है रे। अरे तारा आखिर पतंग किसकी हो? चिंटू दादा की। ए मोटू गांव में सबसे बड़ा पतंगबाज कौन है रे? चिंटू दादा। ओ दादा क्या पतंग कट के आ रही, देखो देखो देखो। हाँ यार कैसे कट के लुडुक पुडुक करते आ रही पतंग। अरे वक्की दादा तुमको मालूम नहीं है क्या सबसे बड़ा पतंगबाज कौन है? अबे कौन है मेरे को नहीं मालूम। अरे वक्की दादा सबसे बड़ा पतंगबाज चिंटू है, चिंटू इससे तारा मारती उसके ऊपर। अबे चिंटू गागा सबसे बड़ा पतंगबाज है ना, तो बेटा मैं भी दारूबाज है समझा ये कैप्टन। अबे मगर ये बहुत बुरी बात है, मैं तारा पे मरता और वो तारा इतने दे चिंटू पे मरती। अरे वक्की दादा चिंटू को पतंग काट दे, इसे तारा तेरे ऊपर मरने लगेगी। अबे हाँ यार कैप्टन तूने बहुत भारी बात बोला है, चिंटू की पतंग ना काटनी पड़ेगी। क्या रे चिंटू ऐसा क्यों मुंह लटका के बैठा, चल अपन दोनों पतंग उड़ाएंगे। अबे मोटू लेकिन अपन पतंग उड़ाएंगे कैसे, मेरे पास तो पतंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं बा? तो तू तेरे बाबा से मंग लेना बा। अरे मोटू मैं गया था मेरे बाबा के पास पैसे मांगने, लेकिन मेरे बाबा है ना मेरे को हकाल दिए। अरे मेरे बाप रे बाप, अब तू क्या करेंगे चिंटू? रुक जा मोटू, ये चिंटू कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। देख रे कप्तान अपुन ने ये पतंग भी ले लिए और मंजे वाली चक्री भी ले गया है, अब वो चिंटू पतंगबाज को मैं कैसे हराता दे। अरे वक्की दादा तुमको तो पतंग उड़ाना ही नहीं आता, उसको कैसे हराएंगे? अबे हाँ यार ये बात तो तूने सही बोला, अब मेरे को पतंग उड़ाना कौन सिखाएगा? अरे मैं सिखाऊंगा। अबे एड़े पतरे तेरे को मक्की उड़ाना नहीं आता, तू मेरे को पतंग उड़ाना सिखाएगा क्या रे? देखो सामने से तोतला दादा आ रहा, तुमको पतंग उड़ाना सिखाएगा। पगल तू, ए तोतलिया इधर आ रे। क्या वक्ती दादा क्या बोल ले? ए तोतले मेरे को ना तू पतंग उड़ाना सिखा दे। ठीक है सिखा दूंगा, चल ला पतंग इधर दे रे। अरे रे रे दे वक्ती दादा, ये पतंग पहले इसका तन्ना चूसते। अबे गन्ना चूसते पतंग में कैसे गन्ना चूसते बे? अरे ला वो मंदा दे दाल। दे ले वक्ती दादा यह इतने तलने था, तू ऐसा छूटने था रहता कंधे वक्ती दादा। अरे बीच में ऐसा पड़ता थे ना दादी मार लेने था। वक्की दादा ये इतू बोलते तन्ना, और इतना जो है ना तील तमान ऐसा तेज तन्ने था रहता है था समझा, ये दे दिया है था। अरे बाप आयो की माँ तू तो कल तो। अरे मेरे बाप रे बाप, अबे इतने तो पूरी पतंग तोड़ के भाग गया, चल तो। क्या रे चिंटू दादा पतंग का जुगाड़ कैसे होगा बा, वो भी अच्छे अंदाज में। अरे मोटू तू टेंशन मत ले, अपना पतंग का भी जुगाड़ हो जाएगा और साथ में है ना नाश्ते का भी जुगाड़ हो जाएगा। क्या बात कर रहा बा सच्ची में? अरे हाँ। ओ जट यमला पगला दीवाना, ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना। वो राजू हवालदार आ रहा के वो मैनु प्यार करती है। सुने ना उसको आज बकरा ही बना देते। चल चल वो मुझ पे मरती है। क्या इंस्पेक्टर साहब किधर जा रहे? अरे चिंटू
मैं राजो हवलदार है रे, इंस्पेक्टर नहीं हूँ मैं। अरे ओ हवलदार साहब, तुम्हारे थाने के आदमी है ना, एकदम एड़े। तुम इतने खूबसूरत और हैंडसम है, तुम्हारे को इंस्पेक्टर बनाने हो ना। अरे मैं तो बोलता चिंटू, हवलदार तो सीधा एसपी बना देना हो ना, वो भी अच्छे अंदाज में। अरे मोटू, ये हवलदार साहब की बॉडी देख, बॉडी पूरे डिपार्टमेंट में है ना, इनके जैसा कोई नहीं होगा। इनको जो है ना एकदम इंस्पेक्टर बनाने होना। क्या हवलदार साहब, सही बोल रहा ना मैं? अरे चिंटू, तू एकदम 100% खरा बोलता, क्योंकि जो मेरा एसपी है ना, मेरे सामने एकदम लल्लू पंजू दिखता रे वो। अरे चिंटू, तू ये खाली चक्री लेके किधर फिर रहा रे? अरे पतंग किधर है तेरी? अरे हवलदार साहब, आज मेरे पास पतंग लेने के लिए पैसे नहीं है। अरे मैं ले आ, ऐसी बात है तो राजू हवलदार को बोलने होना ना। राजू हवलदार पास बहुत पैसे है, बोल तेरे को कितने पैसे लग रहे? ज्यादा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बस 100 रुपया। अरे चिंटू, बस तेरे को 100 रुपए लग रहे क्या? अरे इड़े, तू ना गांव में सबसे अच्छी पतंग उड़ाता, हाँ तू ना गांव का नाम पतंग में रोशन करता। तू एक काम कर, मेरे से ना ये 500 रुपए रख, और तेरे को क्या क्या लगता ना, चक्री मांझा पतंग सब लेके आ जाना, भला क्या? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। और मैं क्या बोल रहा चिंटू, जब तेरा पतंग काटने का मुकाबला रहेगा ना, तो मेरे को बुलाना याद से, मैं तेरा मुकाबला देखने के वास्ते आने वाला है। चल जाता मैं। हाँ ठीक है सब। अबे कप्तान, बहुत बड़ी जाम हो गई रे बा, वो तोतलिया ने ना मेरे को पतंग उड़ाना भी नहीं सिखाया और मेरी पतंग तोड़ के भाग गए वे। अरे दादा दादा देखो, तोतलिया दादा यार, रोमियो नाम मेरा। चुप बैठा, तू कुछ मत बोलना, अपन ना उसको सुम में पकड़ते। चल मेरी पतंग तोड़ा, मैंने तुझे कुछ बोला क्या? मेरा एक काम कर दे यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता, मेरे को ना तू पतंग उड़ाना सिखा दे रे भैया। चल ठीक है वत्ती दादा, आज दे तू पतंग उड़ाना, थिता ही देता मैं। चल हाथ में। चल क्या रे तारा, मेरी पतंग कैसी उड़ रही? वाह चिंटू, तेरी पतंग तो बहुत ऊंची उड़ रही है, लाना मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ ठीक है तारा, ये ले उड़ा। इधर आ। ये मोटू, ये पतंग कैसी उड़ रही है अपनी? एक नंबर। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा सांझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझे से निपटी ये पतंग, जुड़ी जुड़ी जा। अरे क्या रे चिंटू, तारा को पतंग उड़ाना सिखा रहा क्या रे? इंस्पेक्टर साहब। वैसे चिंटू, तारा भी लई भारी पतंग उड़ाती रे। अरे चिंटू, अरे वक्की दादा है ना, पतंग का मुकाबला करने आ रहा, और तुमको क्या बोलो कि चिंटू को हरा के रहूंगा। अरे आएंगे उसको पतंग लड़ाएंगे ना, देख उसकी कैसी पतंग काट के बताता। तेरे चिंटू, तू मेरे साथ पतंग की पेच लड़ा के देख बेटा, तेरे को जो है ना मैं आड़ा लिटा दूंगा आड़ा। अबे बेवड़े, पतंग उड़ाना बेवड़े लोग का काम नहीं है। अबे बेटा, एक बार मेरे से पतंग की पेच लड़ा के देख, मैं गांव का ना एक नंबर पतंगबाज बन जाऊंगा, एक नंबर। ठीक है वक्की, चल अब तेरी पतंग उड़ा। ए चिंटू, तू इतू वक्की को हला नहीं देता, क्योंकि ये मेला चेला है, मेरा चेला है। अरे चिंटू, आज तू इससे पतंगबाजी का मुकाबला ना करीच ले, क्योंकि ये पतंगबाजी का जो मुकाबला है ना, राजू हवलदार की निगरानी में होएगा, समझा क्या? ठीक है वक्की, तेरी पतंग उड़ा। ले ले रे तोतलिया, ले जा, चीज एकदम मस्त कन्ना सुजे ले, मैंने अच्छी उड़ा तू आए। हाँ उड़ा। चिंटू बोले, और ऐसा पतंग उड़ाना ना कि बेवड़े की पतंग कट जानी चाहिए। हाँ देखता रहा अभी कैसा काटता उसकी पतंग। ये चिंटू देख ले, मेरी पतंग भी उड़ रही है, उड़ा तेरी पतंग भी मेरी टक्कर में। चल अबे चल बेवड़े, उड़ा चल लगा। ओके, बहुत जिंग में दिस तो, हाँ उसकी पतंग कटने कुछ होना। हाँ वो साहेब देखो अब कैसा काटता खाली। बेटा आज तो तेरी पतंग काट के रहूंगा रे मैं। तू ना आला भेजा दे, आला भेजा। ये देख तारा, इसके ऊपर डाला आप
अभी तक कैसा काटता है इसको? ओके ओके, ऊपर 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 काट चिंटू काट। ये चिंटू ये कट रहे पतंग। हाय गाइस, तो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है चिंटू दादा पतंगबाज। से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।